नौकरी का झांसा देकर कई महिलाओं से हजारों की ठगी। चचरी पुलिस चौकी क्षेत्र में ठगों का गिरोह सक्रिय। प्रत्येक महिला से 7,000 से 9,000 रुपए की हुई अवैध वसूली। हर महिला को प्रतिमाह 14,000 रुपए वेतन देने का दिया गया था प्रलोभन। 2 महीने बाद ही वेतन न मिलने महिलाओं को ठगी की हुई जानकारी। पीड़ित महिलाओं ने चचरी चौकी में दी तहरीर। पुलिस ने ठगी करने वाले लोगों की स्कूटी को कब्जे में लेकर महिलाओं को पैसे वापस कराने का दिया आश्वासन। मामले में कार्रवाई न करके लीपापोती करने में जुटी पुलिस। पुलिस पर ठगी करने वालों को छोड़ने का आरोप। कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के चचरी चौकी अंतर्गत ग्राम अतरसोया से जुड़ा है पूरा मामला। और बोलो, क्या नाम है आपका? बिमला नाम है सर। कहाँ रहती है? अतरसोया में। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर यही है, ये लोग हमारे गाँव में नहीं और लोग ये ज्योति मैम ने और रितु मैम ने और मोनू मैम ने इन लोगों ने गाँव में गयी हमारे लोग से कहा कि आप लोग नौकरी करोगी हमका कौन सा काम है, कहीं 14,000 महीने में कमा सकती हो? तो हम कहा जी सर। तो कहने लगी कि आप 9,900 जमा करोगे और हर हफ्ते में तुम्हारा चेक आएगा और लोगों को तुम्हारे पीछे उन लोगों को कराइए, तुम्हारा भी चेक आएगा, पैसा आएगा। तो हमने सर जमा कर दिया और इसने चूतिया बनाकर हमारे को बहका ले गई और लोगों को भी ले गई, 9 लोगों को इसने ले गई। तो उन्होंने कह रहा कि महीने में हर यानी कि महीने में 4 काम 26 आराम इसने कहा। तो साहब ऐसा है कि हमने 27 तारीख को पैसा जमा किया था, 27 तारीख आ जाए दोबारा 2 महीना हो जाए, हमारा पैसा नहीं आया है। इन लोगों ने ऐसा हमका चूतिया बनाया, हमारे गांव में आई फिर से दोबारा हमने इनको बहका के बुला लिया, बहका के जब बुलाया कि पैसा जमा करेंगे दोबारा आइए और लोग तैयार हैं, तो इसने कहा कि ठीक आ रहे हैं। जब इसने आया तो हमने गाड़ी ठड़िया लिया गाँव में। और क्या कर रही है? तो इसने सर पुलिस गाड़ी जब लेके गई, पुलिस लेके गई वहां पर अपना ही मतलब कंप्लेन किया ज्योति मैम ने और रितु मैम ने और मोनू मैम ने। इसने कहा लेके गई सिपाही को, उसने गाड़ी लेके आया सिपाही, तो सिपाही साहब ने कहा सर ऐसा है साहब गाड़ी जाना नहीं चाहिए, हमको पैसा दे दे हम काम नहीं करेंगे, ऐसा काम हमको मत चाहिए, हम घर अपना काम कर लेंगे। तो साहब गाड़ी उनकी चौकी में खड़ी है। आपने कहीं शिकायत की है? कहीं नहीं साहब, हमने बस सीधे चौकी अपने ही बुलाया, हमने आया। क्या नाम आपका, कहाँ रहती है? जी हमारा नाम सीमा अतरसैया से है। क्या मामला है? जी ये हमारे गांव में आई थी वो क्या कहना रितु मैम, ज्योति मैम और मोनू मैम ने बोला आपके गांव से बोला कि अगर नौकरी करना चाहती हैं तो आपको बढ़िया पैसा भी मिलेगा और घर पे रहेंगे, बस महीने में 4 बारी खाली जाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार जाना पड़ेगा वहाँ पर मीटिंग में देखने, परसपुर में मीटिंग देखने जाना है, बस एक ही काम है महीने में 4 मतलब हफ्ते में 1 बार महीने में 4 बार यही जाना है और अपने घर पे रहो और मुझे फुसला के मुझसे 6,900 रुपए जमा करवा के बोली हफ्ते में आप एक हफ्ता छोड़ अगले हफ्ते से आपका पैसा आने लगेगा। फिर 2 महीने हो गए अभी एक पैसा नहीं आया, ना फोन उठाती हैं ना हाली गाँव में आती हैं, और नहीं आती थी तब बहाना करके उन्हें बुलाकर मैंने उसकी गाड़ी खड़ी कर दी और चौकी में जब वो चौकी पुलिस को लेके आई, पुलिस ने आया पूछा तो लेके गए बुला के पूछे सारे बात, तो साहब मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, इसकी गाड़ी खड़ी वहीं पर रखी है, कल फिर बोले हैं आने के लिए।